है। बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स की हड़ताल पांचवें दिन भी जारी है। जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में 600 डॉक्टर्स ने अपना इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर ममता बनर्जी की बातचीत की पेशकश को ठुकरा चुके हैं और मुख्यमंत्री से अनशन वाली जगह पर आने की बात कह रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि वो अनशन वाली जगह पर ही सीएम से बात करेंगे। हड़ताली डॉक्टर्स के समर्थन में एम्स के डॉक्टर्स भी उतर आए हैं और उन्होंने मांगे पूरी न होने पर हड़ताल की धमकी दी है। उधर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन भी कोलकाता के डॉक्टर्स के समर्थन में उतर आई है। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोलकाता के डॉक्टर्स से हड़ताल खत्म करने की अपील की थी, लेकिन डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना था कि हर बार इस तरीके के आश्वासन दिए जाते हैं लेकिन कार्रवाई कभी भी नहीं होती है और डॉक्टर्स की सुरक्षा को हमेशा स्टेक पर रखा जाता है और बार बार इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं जहां पर डॉक्टर्स के साथ मारपीट आम हो चली है। तो 6 तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से हर जगह पर कोलकाता के डॉक्टर्स की हड़ताल का समर्थन किया जा रहा है। बंगाल में अब तक इस हड़ताल के समर्थन में 700 से ज्यादा डॉक्टर्स इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हड़ताली डॉक्टर्स से बातचीत की पेशकश की है, लेकिन हड़ताली डॉक्टर्स ने बातचीत के लिए सचिवालय जाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि अगर बात करनी है तो वो धरना स्थल पर ही आए। एम्स के डॉक्टर आज काम पर हैं, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो वो भी हड़ताल पर चले जाएंगे। उधर सोमवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पूरे देश में हड़ताल की बात कही थी। दिल्ली के 14 अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल है, जिसके चलते मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मांगे पूरे नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है। तो देश भर में हालात कुछ इसी तरीके के बने हुए हैं। शुक्रवार को रात 12:45 तमाम डॉक्टर्स की मीटिंग भी हुई थी इसे लेकर, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकल पाया। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। कोलकाता में एनआरएस अस्पताल के डॉक्टर्स की बैठक भी चल रही है। कोलकाता के एनआरएस अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों का धरना अब भी जारी है। ये डॉक्टर हड़ताल पे हैं और अब यह हड़ताल अपने पांचवें दिन में पहुंच चुका है। सिर्फ कोलकाता के एनआरएस अस्पताल में ही नहीं बल्कि कोलकाता के सारे सरकारी अस्पतालों में जितने भी आउटडोर सर्विसेज हैं उसे बंद कर दिया गया है। कहीं कहीं इमरजेंसी सर्विसेज में काम जरूर हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर जगहों में डॉक्टरों ने काम करना बंद कर दिया है। आंकड़ों की बताएं तो 500 से भी ज्यादा सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने मास रेजिग्नेशन दिया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री को जूनियर डॉक्टरों ने जो भी मांग की है वो मानना पड़ेगा और जब तक मुख्यमंत्री इन मांगों को मान नहीं लेती है तब तक ये डॉक्टर काम में वापस नहीं आएंगे। साथ ही कोलकाता कॉरपोरेशन के 144 डॉक्टरों ने फिलहाल जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ से भी छुट्टी ले ली है। तो आज दिन भर कोलकाता और साथ ही पश्चिम बंगाल के ज्यादातर जगहों में जो भी सरकारी अस्पताल है वहां पे भी काम बंद रहेगा। अब मुख्यमंत्री ने इन जूनियर डॉक्टरों को मीटिंग के लिए बुलाया था आज शाम 5:00, लेकिन इन जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि मुख्यमंत्री को खुद यहां पे आना होगा क्योंकि मुख्यमंत्री ने जूनियर डॉक्टरों के इस धरने को लेकर जो भी बयान दिए थे वो आपत्तिजनक थे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री को यहां पर आना होगा इनसे बात करने के लिए। अब भी राज्य सरकार की तरफ से इनके पास कोई पहुंचा नहीं है। आखिरी बार राज्य सरकार के साथ इनकी बात कल शाम को हुई थी, तो ये अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी जनरल बॉडी की एक मीटिंग थोड़ी ही देर में होगी जहां पे ये फैसला लेंगे कि अब आने वाले दिनों में ये क्या करने वाले हैं, कैसे इस मूवमेंट को ये आगे लेके जाएंगे, क्योंकि इनके साथ डॉक्टर्स ज़रूर हैं लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रही है वो है आम लोगों का इलाज, क्योंकि आम लोगों को सरकारी अस्पताल में कोई भी इलाज नहीं मिल पा रहा है। मीडिया जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से देवयानी चौबे, न्यूज़ नेशन।